नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन भूगोल जो हम कर रहे हैं उस श्रृंखला का आज ये नवा पार्ट है, 9th लेक्चर है। ठीक है, क्योंकि हम आराम से सुकून से इसको कर रहे हैं, बढ़िया से 50-50 क्वेश्चन डेली से कर लेते हैं, तो उस श्रृंखला में आज ये हमारा नवा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है आज। इसमें मेनली जो है ना देश और राजधानियां टाइप से जो पूछा जाता था उसके मेनली क्वेश्चन हैं, 30-35 सवाल उसके हैं और उसके आसपास के जो चैप्टर हैं वो हैं। ये एक दो क्लास और रहेगी, फिर हम मेन वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ना हमारी जल मंडल और तुम्हारा ये सब जो ओशनोग्राफी और उन सब में आ जाएंगे, है ना, क्लाइमेटोलॉजी और उन सब में आ जाएंगे, तो ताकि फिर वो आगे कंप्लीट होती चलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो पहला वाला जो चैप्टर है देशों के पुराने नाम, ये उस समय दो तीन क्वेश्चन है, इसमें दो तीन क्वेश्चन है, एक अलग से चैप्टर बना दिया है इन्होंने घटना चक्र ने। है क्या इसमें कि देशों के पुराने नाम, जब कुछ देशों ने नाम चेंज किए थे तो उस समय सवाल करंट से अपडेट होके आते रहे थे, तो उस तरीके से है। चलिए तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। सूची एक को सूची दो से मिलाइए, तो इसमें जो होगा ना जैसे अपन का जो यूपी वाले एग्जाम होते हैं, यूपी वाले यूपी या और जो स्टेट पीएससी हैं उसमें क्या होगा, उसमें अगर आपको राजधानी है इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना तो इजी वाले नाम आएंगे जो आपको जनरली पता होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कुछ ट्रिक बताते हुए, कुछ कहानी बताते हुए आपको राजधानी और वो सब याद कराता चलूं। आपका क्या काम है कि आप अपनी बुक पे नोट करते रहिएगा, नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट करेंगे तो रिवाइज करेंगे तभी चीज याद हो पाएगी, यहां से कक्षा देके चले गए कुछ नहीं होना है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सूची एक पुराना नाम, सूची दो नया नाम मिलाइए। देखो बर्मा, हम सबको पता है कि म्यांमार का जो नाम था वो बर्मा था पहले, तो डी का दूसरा होगा। सबसे पहले जो हमें पता है ना उसको पकड़ो, जो अपन को पता है उसको पकड़ो। डी का दूसरा देखो किस किस में है, एक में ही है भाई डी का दूसरा। और हाँ, हम ये भी जानते हैं जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, जो मेसोपोटामिया करते हैं वो कहाँ है, वो इराक का पुराना नाम है, इराक का पुराना नाम है। ठीक है, तो सी का कौन सा होगा, सी का होना चाहिए चौथा, तो ये भी ठीक है। अच्छा, श्याम, श्याम क्या है, थाईलैंड। देखो ये मैंने कैसे याद कर रखा था, बार बार पढ़ते 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 क्या होता है चीजें याद हो जाती हैं। तो ए का क्या है तीसरा, श्याम का क्या होगा थाईलैंड, तो थाईलैंड क्या है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और सब लोग जाना पसंद करते हैं, तो वहां की शाम बहुत अच्छी होती है, और शाम को ही वहां जो आप अपने मन में अच्छे अच्छे इमेजिनेशन ला रहे हैं वो सब शाम को चीजें वहां बेहतरीन तरीके से हो पाती हैं, मतलब चलती हैं। तो श्याम और शाम को कनेक्ट कर लिए, देखो इस बात को कोई भी अदरवाइज नहीं लेगा, मेरा आपको यहां सिर्फ याद कराना मेन मकसद है, किसी भी तरीके से आप याद कर पाए, चीजें आपके दिमाग में रह जाए। और आपको थाईलैंड श्याम आपको याद रहेगा, देखोगे ना तुरंत झट से याद आ जाएगा, मास्टर ने बताया तो था थाईलैंड श्याम, श्याम श्याम, ठीक है, थाईलैंड का पुराना नाम था श्याम। और उसके बाद ये जो, तो ए का कौन सा हो गया, ए का हो गया तीसरा, और फिर बचा हुआ फार्मोसा, फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम था। ठीक है, तो ये इसका हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ हमें दो तो कंफर्म पता ही है, मेसोपोटामिया पता होता है और अपन का जो है बर्मा पता है, तो उससे भी सवाल हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा एक इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो हरारे, सेलिस्वरी पुराना नाम, इथियोपिया, एविसिनिया, घाना, डचगियाना, किसानसा, लियोपे। ये यूपीएससी वालों का खतरनाक सवाल है ना। लेकिन हमें यहाँ क्या पता है, हमें यहाँ ये पता है कि हरारे का पुराना नाम सेलिस्वरी था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, हरारे का पुराना नाम क्या था, सेलिस्वरी था। साथ ही इथियोपिया जो कंट्री है वो एबिसिनिया कहलाती थी पहले, ये भी सही है। लेकिन जो घाना है ना, घाना गलत है, इसको गोल्ड कोस्ट करके समथिंग इसका पुराना नाम था, गोल्ड कोस्ट ही था शायद, है ना, गोल्ड कोस्ट करके था। तो घाना का डच गियाना नहीं था, गोल्ड कोस्ट था, है ना, तो ये गलत होगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता ये कहां है। ठीक है, फिर भी लेकिन हमें ये पता है घाना का आपको याद रखना है, गोस क्या कहते हैं, गोल्ड करके समथिंग है, तो घाना का गोल्ड करके समथिंग है, वो नाम घाना का पुराना था, तो ये घाना वाला गलत है। तो वही पूछ रहा है हमसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो घाना। बाकी आप ये याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इथियोपिया का पुराना नाम क्या था, एबिसिनिया था। ठीक है, एबिसिनिया था। अगला सवाल देखते हैं। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, तो देखो जिम्बाब्वे किस नाम से जाना जाता था, तो गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट था जो मैं बता रहा था ना अभी, घाना, ये तो किसका पुराना नाम है, ये घाना का पुराना नाम है ना, ये घाना का पुराना नाम है, और इसको कहते थे जिम्बाब्वे को दक्षिणी रोडेशिया। अगर आपको मैप में लोकेशन भी पता है ना, अगर आप साउथ अफ्रीका का मैप पे आपकी, देखो तुक्का कैसे लगाते हैं, अगर आप साउथ अफ्रीका का मैप देख रहे हो, तो सॉरी अफ्रीका का मैप देख रहे हो, तो साउथ अफ्रीका सबसे नीचे है, उसमें उसके ऊपर की तरफ जाम्बिया और जिम्बाब्वे पड़ते हैं, मतलब दक्षिण की साइड जिम्बाब्वे पड़ता है, तो दक्षिण की साइड पड़ता है, तो मतलब
गोल्ड कोस्ट अगर मुझे पता था घाना का, ये भी नहीं होगा, गोदावरी नदी के तट पर इसका तो कोई मतलब है ही ना, तो इसका क्या हुआ फिर दक्षिणी रोडेशिया, मतलब दक्षिण की साइड है तो हो सकता है दक्षिणी रोडेशिया हो, तो हमको अगर मैप का भी नॉलेज है ना तो हम तुक्का भी इस तरीके से इसका लगा देंगे। ठीक है, यही दो तीन क्वेश्चन आए हुए थे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो हैं, ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी रेड क्लिफ लाइन है, भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है, इसी तरीके से कुछ और अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं भी हैं, उनको भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। देखो ये सोच, ये सब मतलब कहीं से ऐसा नहीं है कि मैं उठा के कहीं से आपको कॉपी पेस्ट करके दे रहा हूं, कुछ कहीं से पुराना लिखा हुआ है, कुछ मैं अपना बना लेता हूं कनेक्ट करके, है ना, तो उसको आप उसको यूटिलाइज करिए, उसका फायदा उठाइए, ठीक है, अपनी बुक पे लिखते रहिए। ठीक है, चलो देखते हैं पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो रेडक्लिफ और मैकमोहन में ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं जब शुरू शुरू में मुझे भी होता था, आप अगर तैयारी करना का शुरुआती दौर में है तो आपको भी हो सकता होगा, लेकिन आप अगर परिपक्व हैं तो आपको नहीं होगा। तो देखो रेडक्लिफ है ना, तो हमारे साथ जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो कैसे हैं, थोड़ा सा खूनी संघर्ष सा होता रहता है कभी कुछ कभी कुछ, है ना, हालांकि लोग ऐसा नहीं चाहते हैं पर बहुत सारी वजह हैं उसकी राजनीतिक, उनमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है, तो क्या है पाकिस्तान के साथ हमारे खूनी टाइप से थोड़े से रिश्ते हैं, है ना, तो मतलब खूनी संघर्ष हमारा चलता रहता है, तो क्या है रेड रेड रिश्ते हैं, तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो पाकिस्तान के साथ है। अच्छा मैकमोहन, तो देखो मैक नाम नहीं लग रहा है ऐसे चाइनीज वालों के नाम चिंगचियोंग टाइप से होते हैं ना, तो ऐसे मैकमोहन करके जो नाम है तो वो मैकमोहन नाम थोड़ा चाइना जैसा लग रहा है, तो वो किसके साथ है, मैकमोहन रेखा हमारी चाइना के साथ है, तो कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो रेड क्लिफ ठीक है ना। मैगीनॉट, देखो ये क्या है मैगीनॉट, अब देखो मैगीनॉट को मैं कनेक्ट करता हूं मैग्नेट से, मैग्नेट ठीक है, और मैग्नेट क्या करता है किसी चीज को अपने पास चिपका लेता है, आप ऐसे ही इसको लिख लेना, अपने शब्दों में लिख लेना जो कहानी में बता रहा हूं। अब जर्मनी को मैं हमेशा कनेक्ट करता हूं, देखो अगर मैं आपको कोई कंट्री का नाम बोलूंगा ना तो मैं उसको हमेशा एक ही शब्द से कनेक्ट करूंगा, जैसे स्पेन को मैं हमेशा पेन से कनेक्ट करता हूं, पेन मतलब दर्द, है ना, ऐसे ही जर्मनी को मैं हमेशा कनेक्ट करता हूं जम गई मनी, मुझे पता नहीं क्यों जर्मनी पढ़ के ऐसा समझ में आता है जम गई मनी, तो देखो मैगीनॉट है ना, ये इसको मैंने मैग्नेट से कर लिया और मैग्नेट से क्या हुआ मनी जम गई, मैग्नेट में मनी पैसा चुपक जाता है, नहीं गंगा जी में देखो वो डाल के चले रहते हैं, खैर वो तो अपना अपना इमेजिनेशन है, लेकिन मैग्नेट से क्या होगा जम गई मनी, मनी क्या होगा मनी क्या होगा चिपक जाएगा। तो देखो मैग्नेट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, तो आप इसी तरीके से जर्मनी के ऊपर जम गई मनी लिख सकते हो, ऊपर मैग्नेट लिख सकते हो, एक दो बार जब बुक में देखोगे ना तो आपको खुद से ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी सही है। अच्छा डूरंड रेखा जो है वो डूरंड रेखा किसके साथ है, हमारी भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है, ऊपर की साइड जब आप यहां जाओगे ना ये जो पीओके वाला एरिया है ये वाला, यहां से आके अफगानिस्तान हल्का सा टच होता है, लगभग 70-80 किलोमीटर की हमारी लगभग 70-80 किलोमीटर लंबी अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा है, उसको डूरंड रेखा कहते हैं, बांग्लादेश के साथ नहीं, तो ये गलत हो गया। और हिंडनबर्ग रेखा जो है वो बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, जर्मनी पश्चिम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद जर्मनी की पश्चिमी सीमा डिसाइड करने को हिंडनबर्ग लाइन खींची गई थी, है ना, और पश्चिम की साइड जर्मनी के बेल्जियम है, तो इसका ये भी ठीक है। मतलब इसका फोर्थ का आंसर क्या होगा, फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने का क्या मतलब है कि दो देशों के बीच की सीमा बनाती हो, तो जब आप उत्तरी अमेरिका में जाएंगे ना, उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो यहां जो मैक्सिको है, मैंने माना मैंने मैप थोड़ा खतरनाक बनाया है लेकिन ठीक है आपको समझाने की दृष्टि से ठीक है, तो ये जो मैक्सिको है ना, मैक्सिको और यूएसए, ये यूएसए है और नीचे वाला मेक्सिको है, यूएसए और मेक्सिको की सीमा पे एक नदी बहती है जिसका नाम है रियो ग्रांडे, ठीक है, रियो ग्रांडे रिवर, रियो ग्रांडे रिवर कहां बहती है मेक्सिको, तो ये क्या कर रही है एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है किस किस के बीच, मेक्सिको और यूएसए के बीच। ठीक है, बाकी सिंधु नदी तो कोई ऐसी सीमा बनाती नहीं है, नील नदी भी कोई नहीं बनाती, अफ्रीका में बहती है, और राइन रिवर भी, हाँ राइन रिवर भी सीमा बनाती है जर्मनी और उसके पड़ोसी कंट्री के साथ, लेकिन मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूं, लेकिन रियो ग्रांडो कंफर्म है, रियो ग्रांडे कंफर्म है, रियो ग्रांडे मेक्सिको और यूएसए के बीच की सीमा बनाती है। अगला सवाल देखते हैं, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, देखो फिर वही सवाल आ गया, यूएसए और मेक्सिको, मैंने आपको मैप इसलिए बना के बताया ताकि आपके दिमाग में चीजें स्टोर रहे, आपको इमेजिनेशन रहे, अगर आप एक बार के बाद दोबारा भी वीडियो देखते हैं तो आपको चीज इमेजिन हो पाए। ठीक है, तो रियो ग्रांडे नदी किसके साथ सीमा बनाती है, मेक्सिको और यूएसए, कौन कौन सा है मेक्सिको और यूएसए, ये रहा मेरा, मेक्सिको और यूएसए के बीच में कौन सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सी नदी है, रियो ग्रांडे रिवर है, रियो ग्रांडे रिवर है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
ये निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो देखो, जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आओगे ना, तो यहां कहीं आपको एक दिखती है क्या, विक्टोरिया लेक, लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, ठीक है, मीठे पानी की झील है, बड़ी, काफी बड़ी झील में से एक है। तो विक्टोरिया झील के चारों तरफ क्या है, यूटीके, आप याद रखोगे यूटीके है ना, यूटीके, यू फॉर युगांडा, ठीक है। युगांडा और रवांडा में आप काफी कंफ्यूज होते हो, हैवी आसपास कंट्री, तो एक ही यूटे के याद रख लो, ठीक है। तो जो आप देख रहे हो ना विक्टोरिया झील यहां लिखो और विक्टोरिया झील पे लिख लो यूटी के मतलब युगांडा, टी फॉर तंजानिया और के फॉर केन्या। तो देखो इसमें कौन कौन से, तंजानिया और युगांडा दिए हैं, यूटी के, युगांडा, तंजानिया और केन्या। कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो कौन सी झील अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है, उसका नाम क्या है, लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील इनके बीच की सीमा बनाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, मैकमोहन लाइन बहुत इजी है, मैं आपको बता रहा था अभी क्या कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खून जैसे हैं, मतलब रेड रेड हैं, तो उसके साथ हमारी कौन सी रेखा है, वो रेड क्लिफ है, और चाइना के साथ थोड़ा चाइना जैसा नाम मैच करता हुआ कौन सा है, मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन, ऐसा चाइना जैसा नाम है ना, चीन जैसा चिंगवांग वाला, तो भारत और चीन के बीच की लाइन को क्या कहते हैं, मैकमोहन, ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच की क्या होगी, रेड क्लिफ होगी। आगे देखते हैं, फिर वही बात आ गई, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, तो रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, हमारे और पाकिस्तान के बीच में है, हमारे और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। देखो तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9th का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 38वीं समांतर रेखा सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो मेरा ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, तो अर्थ पे क्या है, अक्षांश रेखा है, आपने बताया था सर ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर उत्तरी रेखाएं होंगी, इसके नीचे दक्षिणी अक्षांश होंगे, तो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, वो किस किस को विभाजित करती है, वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है। देखो बहुत बढ़िया है ये, मतलब सीमा रेखा वाला, इससे विवाद ही खत्म हो गया। अरे भाई कि ये क्षेत्र मेरा, जो सीमा रेखा पर विवाद चलते रहते हैं थोड़े बहुत, वो खत्म करने का सबसे बढ़िया सिस्टम है। किसी भी एक अक्षांश रेखा को आप मान लो कि आपके और मेरे बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। तो इन्होंने किसको मान रखा है, 38 डिग्री अक्षांश रेखा, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश को इन्होंने मान रखा है। इसी तरीके से कनाडा और यूएसए के मध्य जो सीमा रेखा है, वो भी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कनाडा और यूएसए ने भी अपनी सीमा रेखा मान रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 10वें का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होते हैं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, तो किधर से भी ऐसे कान पकड़ लेगा, कभी ऐसे कान पकड़ लेगा, कभी ऐसे नाक पकड़, मतलब घुमा फिरा के वही सवाल आने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी भी याद रखना है, सिर्फ 38 मत याद रख लेना है ना, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला सवाल देखते हैं, मैग्नेट रेखा थी, अरे सर आप अभी तो बता रहे थे मैग्नेट थी, और मैग्नेट से क्या जम गया था, मैग्नेट से जम गई मनी थी, ठीक है, जम गई मनी थी। तो जर्मनी कहां है, ये रहा जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है, मैग्नेट रेखा है, ठीक है, मैग्नेट है, मनी उस पर क्या कर रही है, जम गई है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, तो यही सवाल खत्म हो गए, अब आ गए देश और उनकी राजधानियां, ठीक है। इसमें मैं आपको मैक्सिमम जो कंट्री है वो कोशिश करूंगा आपको उसी तरीके से याद कराते रहने की, ठीक है, मतलब ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से कैसे भी कुछ भी कनेक्ट करके उनकी देश और उनकी राजधानियां आपको याद कराने का पूरा प्रयत्न करूंगा। चलिए तो देखते हैं क्या आ गया, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, यूपी पीसीएस में आपके या अदर स्टेट पीएससी में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी वाले खतरनाक, कहीं से भी कोई देश निकाल लाते हैं, वो एक्चुअली करंट में कोई जो चर्चा में रहा होता है उसको लेकर पकड़ते हैं, लेकिन अपना जो है वो नॉर्मल टाइप के सवाल रहेंगे। कुछ देश मैं आपको बता दूंगा उनकी राजधानी, जो इनमें है ना प्रश्न, आप इस वीडियो को क्या कीजिए, राजधानियां याद करने के लिए मैं आपको भी प्रॉपर ट्रिक से यार राजधानियां याद कराऊंगा, कुछ ना कुछ कहानी बना के, एक दो बार देख लीजिए, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो क्या होगा कि वो चीजें आपके दिमाग में बस जाएंगी, और साथ साथ अपनी बुक पे भी नोट करते रहिए। जैसे देखो म्यांमार, तो म्यांमार की अब तो राजधानी क्या है, नापीते करके है, नापीते ऐसे करके लिखते हैं उसको हिंदी में, है ना, लेकिन पहले उसका नाम क्या था, रंगून या यंगून, वो गाना सुना हुआ होगा ना आपने, यंगून पहले क्या थी, यहाँ वो जेल थी ना, वहां भेज देते थे काला पानी की सजा के लिए, तो मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, क्या तुम्हारी याद सताती है, ठीक है। चलो खैर,
अब आप ध्यान रखेंगे कि म्यांमार की क्या है, तो जिस समय प्रश्न पूछा गया है, हालांकि उस समय भी नहीं थी, नापीते ही थी, लेकिन हम यहां क्या मारेंगे, जब यंगून दिया है तो हम यंगून ही मारेंगे, ठीक है। तो ए का क्या होगा, ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ किस में है, एक में ही है, मतलब अगर हमें एक में कंफर्म है ना तो बात खत्म हो गई। मैचिंग वाले सवालों की सूची एक को सूची दो से मिलाइए, जो जोड़ी बनाने वाले सवाल होते हैं उनकी सबसे अच्छी खास बात यही होती है कि अगर आपको एक कंफर्म पता है ना तो आंसर लगभग लगभग मिल जाता है। देखो और चेक कर लेते हैं, बी कंबोडिया, ठीक है, तो कंबोडिया की वो क्या है, नाम पे, या कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा मिलेगा न्योम पे है, है ना, निहोम पे भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, निहोम पे भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा इसकी कंबोडिया की राजधानी। तो जैसे मैंने कैसे याद कर लिया, कंबोडिया मतलब कम बोल ले, कंबोलिया कंबोडिया मतलब कम बोल ले, है ना, ऐसे थोड़ा कम बोल किसी से कह रहे हैं। और कहां पे कम बोल, निहोम पे मतलब होम पे, घर पे क्या कर तू, कंबोडिया मतलब कम बोला कर, है ना, तो नाम पे या निहोम पे करके ऐसे करके लिखा मिलेगा। तो कंबोडिया की राजधानी क्या है, निहोम पे, ठीक है। जो बोल रहा हूं ना उसको लिख लो किताब पर, ठीक है, लिख लो, दो बार तीन बार रिवाइज करोगे चीज दिमाग में बस जाएगी, बात खत्म। किसी का अपना पहले से ट्रिक है तो वो कृपया डिस्टर्ब ना हो, वो कुछ ना छुए, वो अपने आंसर देखते चले सही लग रहे हैं कि नहीं। तो कंबोडिया की क्या हो जाएगी, तीन, बी का कौन सा होगा, तीन, ये ठीक है। फिर उसके बाद वियतनाम, वियतनाम की तो हनोई सबको याद रहती है, वियतनाम हनोई, ये तो लगभग नॉर्मल सी है, सबको याद होगी। तो वियतनाम की क्या होगी, हनोई, तो सी का क्या हो जाएगा, पहला। और लाओस की क्या होती है, बियंतियन, है ना, लाओस की क्या राजधानी है, बियंतियन। लाओस केल मैंने आपको बताया था स्थलुद्ध देश है, लाओस ला उड़सा हुआ पढ़ा है ना, उड़सा हुआ पढ़ा है, तो लाओस, ठीक है। तो लाओस की राजधानी क्या है, बियंतियन है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें दो बताती, हमें हमें जो कंफर्म याद थी, तो म्यांमार की बताती, कंबोडिया की बताती, तू कम बोल लिया कर, कहां, नोम पे, होम पे, घर पे कम बोल लिया कर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, स्लोवानिया, यूपीएससी का सवाल है, स्लोवानिया, ब्रास्लावा, सेशेल्स, विक्टोरिया, सेशेल्स की राजधानी सही है, सियारा लोएन की भी सही है, फ्रीटाउन, ठीक है। सियारा लोएन कहाँ है, अफ्रीका में, जब आप देखोगे ना तो पश्चिमी साइड, यहाँ अफ्रीका में कंट्री पड़ती है सियारा लोएन। और उज्बेकिस्तान, ताशकंद, उज्बेकिस्तान की कैसे याद करते हैं, उज्बेकिस्तान मतलब मैं इसको दिमाग में रखता हूँ, उज्बेकिस्तान मतलब उसने क्या किया, सब बेक दिया, उज्बेक उसने सब बेक दिया, किस में, ताशकंद, ताश के सौदे में, पहले जुआ चलता था, अब तो आजकल तो ये पता नहीं क्या ऑनलाइन वाला सब पूरा सिस्टम जुए का भी ऑनलाइन हो गया है। आप देखो ना कैसे ड्रीम इलेवन पे कैसे, मतलब पूरा, अब मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, कैसे उसको जो है पूरा पूरा खेलते हैं, पूरा वो सब करते हैं, और वो सब सिस्टम है। और ये क्या है कि पहले ताश का सिस्टम चलता था, दिवाली पे लोग जुआ खेलते थे, पता है, दिवाली के अगले दिन लोग जुआ खेलते थे, पूरी पूरी रात गायब रहते थे, तो वो एक प्रथा के तौर पे भी था, डेली थोड़ी ना खेला जा रहा था, आजकल तो डेली। तो उज्बेकिस्तान उसने क्या किया, सब बेच दिया, किसमें, ताश के सौदे में। तो आप याद रखोगे उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, मतलब ये भी सही है। स्लोवानिया की ब्रास्तिलावा नहीं है, स्लोवानिया की नहीं है, ये स्लोवाकिया जो चेक गणराज्य का दूसरा पार्ट है ना, चेक गणराज्य, स्लो, पहले एक ही देश था चेकोस्लोवाकिया, फिर उसके दो पार्ट हो गए यूरोप में, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रास्ती वाला, ये 2006 में पूछा गया, तभी वो कंट्री शायद कुछ अलग हुई थी, तो करंट से अपडेट करके पूछा गया है। तो स्लोवानिया अलग कंट्री है, स्लोवाकिया अलग कंट्री है, तो ब्रास्तिलावा जो है स्लोवाकिया की राजधानी है, तो ये गलत होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है, ठीक है, कराची पाकिस्तान, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, क्योटो जापान, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें क्या होगा, ऑकलैंड न्यूजीलैंड कराची ब्रिस्बेन, इसका आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, है ना, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। आप लोग एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से इसका आंसर 15 का आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो जो नई राजधानी थी वो कौन सी थी, नापीते, मैंने आपको याद कराया, ये भी ऐसा याद कर लेते कि म्यांमार मुझे मार, मतलब म्यांमार मतलब मुझे मार, तो वो कह रहा है नापीते मतलब इसको मत पीटो, तो मार और पीटना एक सा है ना, तो नापीते जो था ना उसका प्रॉपर नाम क्या था, पिनमाना, पिनमाना ये उसका प्रॉपर नाम था, मतलब वहां का, जैसे नापीते एक बड़ा एरिया था, पिनमाना उसमें से छोटा था, तो ये प्रशासनिक राजधानी कौन सी, नापीते, ये कब पूछा गया है, 2006 में, तभी करंट से अपडेट करके पूछा गया, यूपीएससी वाले करंट वाले रहते हैं, आपको इनसे घबराना नहीं है, ठीक है, ये करंट से अपडेट करके पूछा गया सवाल है। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई नई कंट्री बन रही है, या कोई नई कंट्री अपनी नई राजधानी घोषित कर रही है, या इस प्रकार की कोई गतिविधियां हो रही हैं, तो उसको हम क्या करें, उसको हम ध्यान में रखें, ठीक है, उसको हम ध्यान में रखें, उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगला सवाल देखते हैं, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखो बहामास नस्साऊ ये भी सही है, बहामास है ना, बहामास। तो इसका मैंने कैसे याद कर रखा कि बहामास को कर लेता हूं बदमाश, बहामास जब भी आता है मैं बदमाश कर लेता हूं। बदमाश है कौन? नस्साऊ, नस्साऊ को मैंने कर रखा है ताऊ, ये मेरी किताब पे ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, मतलब मैंने अपने बना के लिखे हुए हैं, याद रहते हैं। बहामास न ताऊ, तो हमारा ताऊ जो है वो बदमाश नहीं है, बहामास बदमाश न ताऊ, नस्साऊ मतलब हमारा ताऊ जो है वो बदमाश नहीं है, तो ये तो ठीक है। कोस्टा रिका सेंट जोन्स ये भी ठीक है, कोस्टा रिका की राजधानी सेंट जोन्स है। निकारागुआ बेलपोन बेलमोपान नहीं है, निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ, निकारागुआ की राजधानी क्या है मानागुआ, निकारागुआ की राजधानी है, ठीक है मानागुआ। ये याद कैसे रह जाते हैं, आप भी तीन चार बार पांच बार पढ़ोगे ना तो चीजें याद रह जाएंगी, और फिर ऐसे कनेक्ट करके याद कर लोगे तो हमेशा याद रहेंगी। तो निकारागुआ की क्या है मानागुआ, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, ये गलत है। अगला देखते हैं, पेरू की राजधानी क्या है, पेरू की राजधानी क्या है पेरू, तो पेरू इसको मैंने कर रखा है पेरू, क्यों रू मतलब तू क्यों रो रहा है भाई, पेरू क्यों रू, तो क्यों रो रहा है, तो कह रहा है मेरा कीमा बना दिया मार मार के, क्या किया मेरा कीमा बना दिया, तो कीमा से क्या है लीमा, तो लीमा के ब्रैकेट में आप लिख लीजिए कीमा और पेरू के ब्रैकेट में ऊपर लिख लीजिए क्यों रू, तो क्यों रो रहा है भाई क्योंकि मेरा लीमा मेरा कीमा बना दिया, तो पेरू की राजधानी क्या है लीमा, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको अच्छा लग रहा हो अप्रिसिएट करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, अच्छे अच्छे कमेंट भेजा करिए ताकि पढ़ के उनको अच्छा लगता है, आपको और बेहतर करने का मुझे आप लोग मोटिवेशन देते हैं, ठीक है, तो वो सब भी करते रहिए। बाकी अच्छी लग रही हो, किसी दोस्त को राजधानी याद करने में परेशानी हो रही है, उसको वीडियो साझा कर दो, इसको देख ले भाई ये मास्टर ठीक ठाक करा रहा है, इससे याद कर लो, है ना, ऐसे शेयर भी करते रहा करिए। चलिए खैर आगे चलते हैं, बियना किस देश की राजधानी है, अरे ये तो हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं वहां बहुत बार आती है बेना बेना प्रोटोकॉल ये वो, तो बेना किसकी राजधानी है ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की कैनवरा है, अभी उसको भी याद करेंगे कैसे करेंगे बताएंगे, ठीक है। तो बियना किस देश की राजधानी है, बियना है ऑस्ट्रिया की, ठीक है, ऑस्ट्रिया कहाँ है मध्य यूरोप में एक कंट्री पड़ती है बीच में ऑस्ट्रिया, वहां की राजधानी है बियना। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र और राजधानी सुमेलित नहीं है, कौन सी सुमेलित नहीं है, देखो चिली सेंटियागो ठीक है, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स ठीक है, उत्तरी कोरिया सियोल नहीं, सियोल तो किसकी राजधानी है, सियोल तो श्रीलंका की राजधानी है, ये गलत हो गया, और इथियोपिया आदिस अबाबा ठीक है। अब देखो इनको कैसे याद करेंगे, चिली और सेंटियागो है ना, तो चिली को मैं करता हूं हमेशा, चिली कहीं भी आएगा मैं चिल रहने से कनेक्ट करता हूं उसको, चिली को या तो चिल रहने से या फिर मिर्ची से, तो चिली मतलब चिल रहा कर यार, सेंटियागो तू सेंटी क्यों हो जाता है, मतलब ऐसे लिख लो चिल रहा कर ब्रैकेट में लिख लो सेंटी क्यों हो जाता है, तो आपको याद रहेगी। तो चिली की राजधानी क्या है सेंटियागो है। उसके बाद अर्जेंटीना क्या है ब्रूनर्स आयर्स, अर्जेंटीना तो ब्रूनर्स आयर्स आपको याद होती है। इथियोपिया इथियोपिया आदिस अबाबा, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे वैसे याद है इथियोपिया और आदिस अबाबा इसकी राजधानी है ठीक है आदिस अबाबा। चलो तो इसमें गलत कौन सा है उत्तरी कोरिया गलत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, तो फिर वही सुमेलित वाली पूछ रहा है कौन सी सुमेलित नहीं है, चीन बीजिंग जापान क्योटो ऑस्ट्रिया बियना थाईलैंड बैंकॉक, ये तो सर हमें याद है, ये तो याद होगी ना आपको, थाईलैंड बैंकॉक ये भी सही है, ऑस्ट्रिया बियना अभी पीछे पढ़ के आए थे, चीन की बीजिंग भी सही है, जापान और क्योटो, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, जापान का क्योटो शहर तो है लेकिन उसकी राजधानी सॉरी क्योटो नहीं है, जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी है टोक्यो ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी है, याद कैसे करें सर इसको, हमें ना टोक्यो और क्योटो में बहुत वो हो जाता है कंफ्यूजन, तो देखो जापान, अब आपसे कोई कह रहा है मैं आपसे कह रहा हूं जापान ले आ, जा पान ले आ, तो क्या होगा रस्ते में कोई टोक देगा क्यों रे पान लेके जा रहा है, मतलब पान जब लाओगे तो पान को अच्छी चीज नहीं मानी है, वैसे पान बहुत अच्छी चीज होती है ठीक है, आपका उसके अंदर के एक एक एलिमेंट ना आपको फायदेमंद है, जैसे कत्था चूना चूना जो उस पर लगता है कैल्शियम बढ़ाता है, कत्था जो होता है उससे बोलते हैं कि बालों का कलर उससे बहुत अच्छा रहता है, बाकी पान का पत्ता भी मेडिसिनल चीज है, अब उसमें आप तंबाकू डाल के खाओगे तो वो तो गड़बड़ करेगा ही, पान तंबाकू डाल के नहीं खाना है, जो उसकी नेचुरल तरीका है उस तरीके से, उसमें मीठे पान में जो गुलकंद पड़ता है सोचो गुलाब की पत्ती से बना हुआ पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो हर चीज उसमें फायदेमंद वाली है, लेकिन वो तंबाकू वालों के चक्कर में वो मुंह लाल किए रहते हैं उनके चक्कर में पान थोड़ा सा क्या है बदनाम है ठीक है। तो जब पान ले आ, तो जब पान लेने किसी को भेजोगे तो कोई टोकेगा नहीं, तो टोक्यो टोक्यो से आप याद रखेंगे तो टोक्यो और क्योटो में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, जापान ले या टोक्यो, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर सही सुमेलित देख रहा है, देखो अभी कह रहे हैं घाना, घाना को मैं कनेक्ट करता हूं आना, घाना के ऊपर लिख लो आना, आना मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे आप मेरे सामने खड़े, मैं कह रहा हूं आना, तो आप क्या कहोगे? अच्छा आ रहा हूं, तो अकरा अच्छा, अच्छा अकरा, ठीक है, तो घाना की राजधानी घाना, आना अकरा अच्छा, ठीक है, तो घाना से क्या याद रखोगे? अच्छा, घाना आना अकरा अच्छा, ठीक है, ऐसे करके याद रख। अरे यार तुम दो बार खाली, तीन बार ना वीडियो देख जाना, पेपर में अगर सवाल आ गया ना तो सही हो जाएगा, गारंटी है, बात खत्म, बस और क्या चाहिए, ठीक है। चलो खैर, केन्या की नैरोबी है, ये भी एनवायरमेंट में बहुत पढ़ते हैं, ये भी आपको पता ही है। नामीबिया बिंडहाक और नाइजीरिया रवात, तो इसमें क्या होगा? नाइजीरिया की रवात नहीं है, ठीक है, नाइजीरिया की रवात नहीं, नामीबिया की तो ठीक है। नामीबिया, नामीबिया की मैंने कैसे याद कर रखी थी कि बिया मतलब विवाह, बिया मतलब बिया, तो कोई कह रहा है कि हमारा बहुत नामी घर से क्या हो रहा है, बिया हो रहा है, नामीबिया बहुत नामी बिया हो रहा है, तो उससे कह रहे हैं ज्यादा हवा में मत हाक, बिंड हाक, ज्यादा हवा में मत हाक, बिंड मतलब हवा, हाक मतलब हाकना कहते हैं ना, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, तो नामी बिया, हमारा नामी बिया हो रहा है, तो उससे कह रहे हैं बिंड हाक, हवा में मत हाक इतनी लंबी लंबी बात है, तो ये भी सही है। इसका जो ऑप्शन सही होगा, जो सुमेलित नहीं है, वो ये होगा नाइजीरिया रवात, है ना, ये सही नहीं है। चलो खैर अगला देखते हैं, झुकी लाट या वो पीसा की झुकी हुई जो मीनार है उसकी बात कर रहे हैं, ये झुकी हुई लाट कहाँ है? तो पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में है, इटली में है, ये तो एक यहाँ पता नहीं क्यों दे रखा है ये सवाल, लेकिन हाँ इटली में है, ठीक है, है भी बहुत पुराना, 1993, पहले ऐसे ही सवाल आते थे, फलानी चीज़ कहाँ है, धमाका चीज़ कहाँ है, तो है ना उसी को याद कर करके लोग हीरो बन जाते थे, ठीक है, पुराने जो बने बैठे हैं। खैर आगे देखते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलाइए, बिंडहाक अकरा नरोवी लुसाका। देखो बिंडहाक अभी मैंने बताया था, ज्यादा हवा में मत हाक, वो कह रहा है क्यों? क्योंकि हमारा बहुत नामी बिया हुआ है, मतलब एक का दूसरा किस में, इसमें खत्म हो गई, आपको एक भी पता है ना तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अकरा तो मैं कह रहा हूँ, घाना आना तो आपका कह रहे थे अच्छा, मतलब बी का तीसरा होगा, बी का तीसरा है, नैरोबी केन्या तो सबको याद होता ही है, सी का पहला होगा, और लुसाका, लुसाका किसकी है? जाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया की क्या है? लुसाका है, ठीक है, जाम्बिया की लुसाका है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 24 का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दी हुई कूट से सही उत्तर चुनिए, जोड़ियां बनाइए, ठीक है, काश हमारे पास ये शक्ति होती तो सर पता नहीं मैं क्लास में किस किस की जोड़ी बनवा चुका होता, ठीक है। खैर चलो, जोड़ियां बनाइए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, केन्या युगांडा उज्बेकिस्तान यूक्रेन। अब देखो केन्या नैरोबी सबको पता है ना, केन्या नैरोबी तो एक का दूसरा किस में है? दो में, ये तो दो काट ही दो। फिर युगांडा उज्बेकिस्तान, उसने सब बेक दिया, किस में बेका था अभी हम करके आए थे? उज्बेकिस्तान, उसने सब बेक दिया, किस में बेका था? ताश के सौदे में। सी का कौन सा होगा? पहला, तो ए का दूसरा, सी का पहला, किस में? इसमें नहीं है, एक सी का पहला, ए का दूसरा, मतलब ये सही हो गया। बी क्या है? युगांडा और यूक्रेन, यूक्रेन की तो अभी सबको पता है, यूक्रेन पे तो इतना वो चल रहा है कि कीप पे रूस का कब्जा हो गया, ये हो गया, यूक्रेन की क्या है? की, मतलब डी का क्या है? तीसरा। और युगांडा, युगांडा मतलब युगुंडा, युगांडा को कैसे लिखेंगे आप? युगुंडा, आप गुंडा हो, तो कह रहा है कंपाला, कांप जाओगे अगर आपको पता चलेगा, क्या? कांपना, मतलब युगुंडा, गुंडा के सामने क्या करते हैं लोग? कांपते हैं ना, तो युगांडा, युगुंडा और कंपाला, ठीक है, इसको आप याद रखोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, 26वां, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कोपेनहेगन, बर्लिन, ओस्लो, नार्वे, ये ठीक है, और कोपेनहेगन, ये तो सारी राजधानियां ठीक है भाई, कोपेनहेगन डेनमार्क की, ये भी सही है, बर्लिन सही है, पेरिस सही है, नार्वे सही है, हाँ इसमें, हाँ जो घटना चक्र वाली किताब में इसका आंसर दे रखा है ना, बर्लिन दे रखा है, वो कहते हैं कि बर्लिन उनका एक प्रांत भी है और वो राजधानी भी, ऐसे करके समथिंग है, तो इस वजह से इसका आंसर बी होगा। वैसे ये राजधानियां सब सही हैं। इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं? इस प्रकार के प्रश्न आपत्ति में डिलीट हो जाते हैं। अब आप आपत्ति देते हैं कि भाई सारे सही हैं तो डिलीट, इनका बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? अम्मान, जॉर्डन, बिश्केक, तजाकिस्तान, नहीं बिश्केक तजाकिस्तान नहीं, उलान बटोर, मंगोलिया, सना, यमन। देखो अमन, अम्मान, जॉर्डन, ये सही है, बिश्केक, केक यहां है ना, केक का इनमें जो मैं कनेक्ट करता हूं, जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान है, उसकी राजधानी है बिश्केक, तो केक क्या? किर्गिस, मतलब किरकिरा हो जाता है वहां, क्या रेता रेता वाला वैसा वाला एरिया है ना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, क्या, तो कैसे याद करते? बिश्केक मतलब केक क्या है? किरगिर, किरकिरा हो गया उस रेते के चक्कर में, तो केक और किरकिरे को आप याद कर सकते हो। तजाकिस्तान की दुशांबे है, वो कोई दिक्कत नहीं है। उलान बटोर, मंगोलिया, मंगोलिया को याद करते हैं गोलियां,
अब मंगोलियां गोलियां क्या हुई उसकी, पैकेट में से निकल के बिखर गई, तो कह रहा जल्दी जल्दी बटोर उलान बटोर, सबको एक तरफ करके बटोर ले। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर, ये सही है, ये सही है, सना साना यमन ये सही है। गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। बिस्केक तजाकिस्तान की नहीं है, किर्गिस्तान की है। अगला देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। बुल्गारिया जॉर्जिया आइसलैंड नॉर्वे, देखो देखो बुल्गारिया जॉर्जिया और बुल्गारिया कौन बुला रही है, देखो बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया है, तो बुल्गारिया भाई तुझे बुला रही है, कौन बुला रही है, सोफिया बुला रही है, ठीक है। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया। ए का क्या होगा, ए का होगा तीसरा, देखो इसमें है और इसमें है। फिर आगे देख लेते हैं, नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। आपने नॉर्वे देखा होगा, नॉर्वे काफी ऊपर की तरफ है, ध्रुवों की साइड है, मतलब काफी उच्च अक्षांशों में है, तो वहां क्या है ठंड रहती है, तो वहां जब ज्यादा ठंड रहती है तो वहां क्या लोग कहते हैं, बोले ओढ़ लो, क्या ओढ़ लो, कंबल ओढ़ के रहो, क्यों, क्योंकि यहां ज्यादा ठंड पड़ रही है इसलिए ओढ़ लो, नॉर्वे ओढ़ लो, ओढ़ लो मतलब ओस्लो। तो डी का क्या होगा, पहला होगा, तो डी का पहला किसमें है, ए का तीसरा और डी का पहला इसमें है, मतलब ये सारे गलत हो गए, ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। बी जॉर्जिया की राजधानी क्या होगी, जॉर्जिया की तबलीसी है, मतलब बी का फोर होना चाहिए, और आइसलैंड की क्या है, रिक्याविक है, आइसलैंड की रिक्याविक, सी का दूसरा होना। कोई नहीं भी याद है एक दो तो चलेगा, जो कंफर्म है, अच्छा बुल्गारिया सोफिया बुला रही है, भाई तुझे बुल्गारिया बुला रही है, कौन बुला रही है, सोफिया बुला रही है, ठीक है। ऐसे ही नॉर्वे, नॉर्वे क्योंकि सबसे ऊपर की तरफ है, वहां क्या है, नॉर्वे ओढ़ लो, सब कहते हैं ओढ़ लो, ओढ़ के रहो। चलो अगला देखते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा होगा क्लास देखने में, है ना, मजा आ रहा हो तो क्या करिए, उठाइए वीडियो और दोस्तों के साथ साझा कीजिए कि भाई ये देख राजधानी ऐसे भी याद होती है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से मस्त पढ़ेंगे, मस्त याद करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, और मैंने पिछले वीडियोस में पूछा था कि भाई आपको मैराथन चाहिए, तो आप लोगों ने नीचे जवाब दिया कि हाँ सर मैराथन, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक बढ़िया सी मैराथन लेके आएंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है, यूक्रेन अकमोला ये तो गलत है, साइप्रस बगदाद ये भी गलत है, लेबनान बेरूत और टर्की अस्खाबाद, तो टर्की अस्खाबाद ये भी गलत है, लेबनान बेरूत सही होगा, लेबनान बेरूत सही होगा, कौन सा सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी। लेबनान की राजधानी क्या है, लेबनान की राजधानी है बेरूत, ठीक है, लेबनान की बेरूत। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, कनाडा ओटावा ऑस्ट्रेलिया कैनबरा रूस मास्को, चीन शंघाई नहीं है, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, ठीक है। ए सुमेलित नहीं है, कनाडा और ओटावा, ठीक है। तो कनाडा में ना काड़ा जैसी साउंड नहीं आती, कनाडा के ब्रैकेट में लिख लो काड़ा, जो अभी कोरोना में हमने ओटा ओटा के पिया था वो काड़ा, तो वो क्या कह रहा है, वही काड़ा क्या कर, ओटावा, ओटा के ले आ मेरे पास, ओटावा मतलब ओटा के लिया, कनाडा मतलब काड़ा, तो काड़ा ओटावा, तो ये आप ऐसे याद रख लोगे। ऑस्ट्रेलिया, तो मैं उससे कह रहा हूं ओए ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मतलब ओए ट्रेलिया, और ट्रे में क्या करके लियो, कैन भर के लाना, अब किसकी कैन वो आप जानो, है ना, ओए ट्रे लिया और कैन भरा, मतलब कैन भर के लेके आना उसमें ट्रे में, कैन भरा, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैन भरा, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, ये तो आपको पता ही है, मेरा मतलब आपको सिर्फ याद कराने से है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिखते चलो, या फिर दो तीन बार वीडियो देख लेना, दिमाग में बस जाएंगे चीजें, ठीक है। खैर, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो चीन, चीन की क्या है, बीजिंग है। अगला देखते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलाई है, देश और राजधानी बुरुंडी कजाकिस्तान लाओस माली, तो माली की राजधानी क्या है, बमाको, ठीक है, बमाको, यह मैं बता सकता हूं आपको लेकिन बताऊंगा नहीं, यहां मतलब सही नहीं रहेगा वो बताना, आप अपने आप कर लेना, मुझे याद है, खैर माली बमाको, ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, फिर भी आप कर लेना, ठीक है, इन दो शब्दों को पढ़ना, इन दो शब्दों को पढ़ना, आपको कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी, माली बमाको, ठीक है। लाओस, अभी हम पढ़ रहे थे लाओस की क्या है, बियांतिएन, तो डी का दूसरा देखो कहां है, डी का दूसरा इन दोनों में है, और लाओ सी का चौथा देखो किसमें, अरे दोनों में ही सी का चौथा है, चलो ये दोनों सही है। अब बुरुंडी और कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान की क्या है, कजाकिस्तान की अस्ताना है, ठीक है, और बुरुंडी इसमें भी देखो बुरा आ रहा है, बुरुंडी में क्या बुरु 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 बुरा सा लग रहा है, तो इसकी राजधानी भी बुरु है, बुजुम्बुरा, ठीक है, बुजुम्बुरा इसकी राजधानी है, बुरुंडी बुजुम्बुरा, बुरुंडी बुरा सा साउंड आ रहा है, बुरुंडी बुरु बुरा है ना, और बुजुम्बुरा इसकी राजधानी है, ठीक है, बुजुम्बुरा। तो ए का कौन सा होगा, ए का तीसरा होगा, ए का तीसरा किसमें, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और बी का क्या होगा, पहला, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, अस्ताना, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, फिनलैंड हेलिंस्की बोलिविया लापाज इथियोपिया लुसाका यूक्रेन की, इथियोपिया लुसाका नहीं, इथियोपिया की कौन सी थी, अभी हम पीछे पड़ के आए थे
अदिस अबाबा, ठीक है, अदिस अबाबा लुसाका नहीं थी, लुसाका शायद जाम्बिया की है, है ना, शायद जहां तक मैं कंफर्म हूं जाम्बिया की। फिनलैंड हेलेंस्की, ठीक है, बोलीबिया, ये सब कह रहे हैं बोलीबिया, मतलब बोलो बिया करोगे, तो कह रहा है लापाज, पहले ला 5 लाख रुपया ला तब शादी करूंगा, ठीक है, तो बोलीबिया और लापाज, बोलीबिया बोलो बिया करोगे, लापाज मतलब ला 5 लाख रुपया ला, तो 5 लाख में बिया करने को तैयार है, तो ये भी ठीक है। फिनलैंड हेलेंस्की भी ठीक है, यूक्रेन की तो आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, यूक्रेन की तो पता ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी सही सुमिलित नहीं है। इतना अगर आप कर जाओगे ना तो सवाल आएंगे तो हो जाएगा, राजधानी वाला अगर सवाल आएगा, कोई मैचिंग वाला ही आता है, जनरली हो जाएगा। अब देखो सूची एक को सूची दो से मिलाओ, अजरबैजान, गैम्बिया, कजाकिस्तान, लातविया। देखो अजरबैजान और लातविया, तो देखो यहां कजाकिस्तान की राजधानी सबसे पहले हमको पता है क्या, अस्ताना, हमको कजाकिस्तान की राजधानी पता है क्या, अस्ताना, मतलब सी का फोर, देखो किसमें सी का फोर, इसमें सी का फोर इसमें है। और लातविया की राजधानी क्या होती है, लातविया की राजधानी है रीगा, लातविया की राजधानी है रीगा, डी का होना चाहिए दूसरा, तो डी का दूसरा किसमें है, इसमें है। फिर बी, गैम्बिया की राजधानी क्या है, गैम्बिया की बांजुल है, और अजरबैजान की क्या है, अजरबैजान की बाकू है। अजरबैजान को मैं अनजान से याद रखता हूं, अजरबैजान अनजान, और अनजान कौन होते हैं, बाकू मतलब डाकू, ठीक है, तो अजरबैजान अनजान और बाकू मतलब डाकू, ए का तीसरा होना चाहिए, बी का पहला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 33 मई का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बुडापेस्ट हंगरी, बुडापेस्ट हंगरी, किंसारा जायरे, या इसको आजकल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बोला जाता है, जायरे, नैरोबी केन्या, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड, नहीं न्यूजीलैंड की क्राइस्टचर्च करके, ये नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही है। बुडापेस्ट जैसे हंगरी की, कैसे हंगरी हो आप कह रहे हो मैं हंगरी हूं मुझे भूख लग रही है, तो पहले अम्मा क्या करिए, पहले पेस्ट करके आ, बुडापेस्ट पहले जा और पेस्ट करके आ तब कुछ मिलेगा, तो बुडापेस्ट हंगरी हो गई, ठीक है। नैरोबी केन्या आपको पता ही है, ये भी सही है, किंसासा जायरे, और ये गलत है, क्राइस्टचर्च करके न्यूजीलैंड की नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, तो राष्ट्रीय राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है, बीजिंग भी हम जानते हैं चीन की है, और कैन भर के लाइए, किससे कह रहे हो, कैन भर के लेके आना, जैसे ट्रे मंगा रहे थे, ओए ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, तो कैनवरा किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है। बान वॉन पहले राजधानी थी, जर्मनी की थी, हाँ समथिंग उसकी मानते, न्यूयॉर्क का राजधानी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर सी भी हो सकता है, मेरे हिसाब से बुक में सी या ए दिया होगा, लेकिन ए आप मारना, न्यूयॉर्क, ए सी दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां दो आंसर आपको दिख रहे हो, आपको स्पष्ट जानकारी हो, तो आप परीक्षा में इन दोनों में से ही कोई लगा के आए, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये है कि जब आंसर आते हैं ना, जब आंसर की आती है, तो उन दोनों में से ही कोई सही मान लिया जाता है, उन दोनों में से ही कोई सही मान लिया जाता है, तो आपके सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगला देखते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो कैनबरा, कैनबरा था सर, कैन भर के लेके आना, ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन भी थी, फिनलैंड की थी, रियाद भी है सऊदी अरब की, सिडनी नहीं है, सिडनी तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, तो इसका आंसर क्या होगा, होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिडनी, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजधानी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सिडनी राजधानी नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, देखो एक मिनट का समय दीजिए आप, चलो देखो अगला सवाल, सिडनी होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलेंस्की किसकी राजधानी, तो अभी देखते आए थे किसकी, फिनलैंड की राजधानी है, हेलेंस्की किसकी, फिनलैंड की, पीछे वाले सवाल में था ना, देखो एक बार दिखा देता हूँ, पीछे वाले सवाल में था हेलेंस्की, फिनलैंड कहाँ गया, फिनलैंड हेलेंस्की, ठीक है, तो हेलेंस्की किसकी राजधानी है, फिनलैंड की है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, ब्राजील, क्यूबा, केन्या, जाम्बिया। देखो तो क्या है, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, तो ए का क्या होगा दूसरा, ए का दूसरा किसमें, इन दोनों में है। बी क्यूबा, हवाना, क्यूबा जब आप क्यूबा की मैप में लोकेशन देखोगे ना, तो अलग सही तैर रहा है, तो मैंने ऐसे याद कर रखा था, क्यूबे हवा में तैर रहा है, मतलब अलग है, सारे महाद्वीपों से अलग सा है, ठीक है, फिर क्या कहते हैं कैरिबियन द्वीप के आसपास है, तो क्यूबा हवाना, तो बी का क्या होगा, बी का पहला होगा, बी का पहला किसमें है, इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सी केन्या की नैरोबी आपको पता ही है, जाम्बिया, लुसाका भी मैंने आपको बताया ही था, तो 4 और 3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 38 का आंसर कौन सा होगा, बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ब्राजील, कोस्टा रिका, पेरू, आइवरी कोस्ट, इनकी राजधानी देखनी है, तो ब्राजील की ब्राजीलिया या रियो डी जेनेरो राजधानी नहीं है, इनके शहर हैं, है ना, राजधानी भी है कुछ, अब जैसे पेरू की लीमा है, ठीक है,
तो कुछ शहर भी हैं, अब भी रियो डी जेनेरियो शहर है, एक का कौन सा तीसरा, एक का तीसरा इन दोनों में है। अब आ जाओ पेरू, पेरू हमको पता है, मैंने कहा पेरू क्यों रो रहा है भाई, क्यों, क्योंकि इनने मेरा कीमा बना दिया, कीमा लीमा, तो इसकी राजधानी क्या होगी, फोर। सी का क्या होना चाहिए, चौथा होना चाहिए, सी का चौथा, ए का तीसरा, ऑप्शन नंबर सी में है। बी का क्या होगा, कोस्टा रिका का सेंट जोन सी है, और डी का पहला आइवरी द कोस्टे की यामू सी के है। अब ये एक दो नाम अगर याद भी नहीं होते हैं तो चलता है, हमारा आंसर आ गया ना, बात खत्म हो गई, ठीक है। अगर एक आध आपको नहीं भी याद हो, भैया मैं तो याद करूंगा जी, तो कर ले भाई, अपन कब मना कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलत लिखा है, सुमेलित नहीं होता, सुमेलित नहीं है। फिजी, सूबा, फिनलैंड, ओस्लो, नहीं, फिनलैंड की तो क्या थी, हेलेंस की थी, और ओस्लो किसकी थी, किसको उड़वा रहे थे, ओढ़ लो, जो नार्वे वाला था ना, नार्वे वाला, उससे कह रहे थे ओढ़ लो, ठीक है, क्योंकि वो ठंडे है वहां ज्यादा, तो उससे कह रहे हैं नार्वे ओढ़ लो, ठीक है, ओढ़ लो ओस्लो, ये गलत है। किस, कौन सुमेलित नहीं है, गुआना, जॉर्ज टाउन, ठीक है, लेबनान, बेरूत, ठीक है, ठीक है। अब आप ये देखो ऑप्शन भी है ना इसमें, तो पीछे आए हुए सवालों के ही है ना, जैसे लेबनान बेरूत भी हम देख चुके हैं, गुआना जॉर्ज टाउन भी देख चुके हैं, फिनलैंड भी देख चुके हैं, और ओस्लो भी देख चुके हैं, तो मतलब जो ऑप्शन भी आ रहे हैं ना क्वेश्चन के, वो पीछे इतने इतनी राजधानी हमसे पूछ ली, उन्हीं में से घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो आपको जितने ये 30-35 सवाल हैं, अगर ये भी आपके ठीक ठाक है ना, तो आपको परीक्षा में प्रश्न सही हो जाएगा। बाकी कुछ करंट में अगर चल रहा हो, कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा हो, तो उसको देखते रहा करिए। आगे देखते हैं, श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी क्या है, इसमें कौन सी दी है, कोलंबो, लेकिन अब तो क्या है, श्री जयवर्धन, श्री जयवर्धन है, ए का तीसरा लगाइए फिलहाल, ए का, अरे सब में ए का तीसरा है। बर्मा, बर्मा की इसमें भी रंगून दे रखी है, ठीक है, रंगून लगाइए, सी का दूसरा, ए का पहला, ए का तीसरा और सी का दूसरा, ए का तीसरा सी का दूसरा किस में, ए का तीसरा सी का दूसरा सिर्फ इसी में है। अब देखो बी, मालदीप की क्या है, मालदीप की माले है, दोनों में माल माल आ रहा है, मालदीप और माले, तो माल और माल, ठीक है, मालदीप की क्या है, माले, बी का पहला हो गया। जिम्बाब्वे की क्या है, हरारे है, जिम्बाब्वे की हरारे और मॉरीशस की पोर्ट लुइस है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे हरारे, जिम्बाब्वे हरारे कैसे, जिम्बाब्वे की ना एक टीम हुआ करती थी क्रिकेट में, होती है अब भी होती है पता नहीं, अब तो मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, बचपन में बहुत शौक था क्रिकेट देखने का, ठीक है, अब तो अब कुछ भी कह लीजिए, इतना मतलब पढ़ाई का और उसका इतना वो हो गया कि जो है अब टाइम नहीं मिल पाता। तो जिम्बाब्वे की क्या हरारे, तो वो टीम ना हारती रहती थी, तो मुझे तभी से याद है जिम्बाब्वे हरारे, जिम्बाब्वे को तो हर कोई हरा लेता है, तो जिम्बाब्वे हरारे ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। और मालदीप, पोर्ट लुइस, मॉरीशस, सॉरी मालदीप कह रहा हूँ, मॉरीशस, तो मॉरीशस क्या है, मॉरीशस खुद ऐसी कंट्री जिसके आसपास खूब सारे पोर्ट ही पोर्ट होंगे, तो मॉरीशस की क्या है, पोर्ट लुइस है, सिंपल याद रखिए। अगला आ जाइए, सूची एक, सूची दो, ऑस्ट्रेलिया, तो भाई ट्रे लिया और ट्रे में क्या भर के लेके आना, ट्रे में कैन भर के लेके आना, तो ए का क्या हो गया, फोर्थ, ए का फोर्थ किस में है, दो में है। अब आ जाओ बी, तजाकिस्तान और तंजानिया और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की कैसे याद करोगे, स्विट्जरलैंड में ना बहुत ठंड है, मतलब चारों तरफ से आल्प्स पर्वतमालाओं से घिरा हुआ क्या है, हमारे कश्मीर की तरह एरिया है स्विट्जरलैंड का, ठीक है, हमारे कश्मीर की तरह है स्विट्जरलैंड, तो चारों तरफ से उससे घिरा हुआ है, वहां क्या है, वहां किसी की स्क्रीन बर्न नहीं होती है, क्या नहीं होती है, अब धूप ही नहीं है इतनी, मतलब ठंडा मौसम है, तो किसी की स्क्रीन बर्न नहीं होती है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न, ठीक है। डी का दूसरा, डी का दूसरा किसमें है, इसमें है। अब आ जाते हैं बी, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तजाकिस्तान अभी पढ़ के आए थे, दुशांबे, और तंजानिया डोडोना, ठीक है, तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोना, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी का तीसरा तंजानिया दुशांबे और सी का पहला तंजानिया डोडोमा, तजाकिस्तान दुशांबे तंजानिया डोडोमा, तो इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 42 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, देश और नगर, वेनेजुएला, बोगोटा, न्यूजीलैंड, क्राकस, कोलंबिया, बिलिंगटन, साइप्रस, निकोसिया, ठीक है, कौन सा सुमेलित, देश और राजधानी युग्म, वेनेजुएला, बोगोटा, न्यूजीलैंड, क्राकस, कोलंबिया, बिलिंगटन, आप एक बार देख लेना, कोलंबिया, बिलिंगटन, ये गलत होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। अब देखो साइप्रस की राजधानी कैसे याद करोगे, निकोसिया, साइप्रस मतलब क्या है कि प्रेशर लगा रहे हो, तभी तो निकोसिया, मतलब तभी तो क्या होगा, वो निकलेगा कोई भी चीज, जैसे मान लो आप मुझ पे यहां से स्टूडियो से बाहर भगाना हो, तो प्रेशर लगाओगे ना, चल वे चल बाहर चल, तभी तो मैं बाहर निकलूंगा, तो क्या होगा, साइप्रस, प्रेशर लगाओ सारे, तभी तो निकोसिया, तभी तो निकलेगा, तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, कौन सा सुमेलित है, अच्छा सही सुमेलित पूछ रहा है, तो साइप्रस निकोसिया ही होगा, सॉरी मैं वो गलत वाला, वही मैं कंफ्यूजन था, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, साइप्रस निकोसिया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, गिनी बिसाऊ, गिनी की गिनी बिसाऊ,
ताइवान, ताइपे, निकारागुआ, मानागुआ, मालदीप, मालाबो नहीं है, मालदीप की राजधानी अभी क्या थी, माले, मालदीप, दोनों में माल माल आ रहा था, पीछे पड़ के आए थे मालदीप माले, तो ये गलत होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति गए थे? तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, 2019 में पूछा गया था, तभी प्रधानमंत्री मार्च 2019 में प्रधानमंत्री कहने उपराष्ट्रपति ने दौरा किया था, अनशियन, अनसंसियन, इसका नाम भी अजीब सा था, अनसंसियन, ठीक है, अन नहीं होगा, आसंसियन, ठीक है, मैं ठीक से उच्चारण करना चाह रहा था, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आसंसियन। अगला देखते हैं, फिर सूची एक को सूची दो से मिलाएंगे, उज्बेकिस्तान, अरे सर आप तो आपने इतनी बार बता दिया, उसने सब बेच दिया, उज्बेकिस्तान, उसने सब बेच दिया, किसमें बेच दिया? ताश के सौदे में, ताशकंद, ताश के सौदे में उसने सब कुछ बेच दिया, तो ताशकंद कहां है मेरा? ये है ए का पहला होगा। फिर किर्गिस्तान, सब कुछ किरकिरा हो गया, किरगिर, किरगिर, किरकिरा, तो क्या किरकिरा करा था हमने? के किरकिरा करा था, मतलब ए का पहला होना चाहिए, सी का तीसरा, ए का पहला, सी का तीसरा, और किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। बी, तजाकिस्तान की दुशांबे है ये, तुर्कमेनिस्तान की असगाबाद। देखो तुर्कमेनिस्तान की कैसे याद करते हैं, तुर्क, जब आपने अगर वो पढ़ा हो क्या, वो जो गांधी जी ने चलाया था खिलाफत मूवमेंट, तो उसमें क्या हुआ था, बाद में तुर्क, उसने क्या करा था, खलीफा खुद को हटा दिया था, ऐसा समथिंग था, तो तुर्क लोगों ने क्या करा है ना, अजगावत, बगावत, तुर्क से बगावत याद कर लो, तुर्की बगावत। आजकल भी वो अर्दोदान जो वहाँ का वो है हेड जो है, वो भी ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा वैसा, तो तुर्की क्या है, बगावत करता है तुर्क। अब वो तुर्की की राजधानी मत याद कर लेना, मैं तुर्क की बात कर रहा हूँ, तुर्क जो है वो बगावत है ना, बगावत है, तो तुर्क की तुर्कमेनिस्तान की क्या राजधानी होगी? असगावत, बगावत, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है, मोरक्को, रवाद, ट्यूनिशिया, ट्यूनिस, अल्जीरिया, अल्जीरियस, केप वर्ड, बमाको, बमाको, मोरक्को, रवात, रवात किसकी, शायद लेबनान की राजधानी थी ना रवात, तो हाँ, तो ये गलत होगा, इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर वही, तो देखो बहामास हमें पता है, बदमाश, बहामास, बदमास, नसाऊ, हमारे ताऊ बदमाश नहीं है, उसके बाद अल साल्वाडोर, सेन साल्वाडोर, ये भी सही है, ये भी ठीक है, डोमिनिकिया, सेंटो डोमे, नहीं ये गलत है, सेंटो डोमिंगो, तो डोमिनियन गणराज्य एक अलग कंट्री है, उसकी राजधानी है, सेंटो डोमिंगो एक डोमिनियन गणराज्य है, उसकी राजधानी है, ठीक है, उसकी राजधानी है, तो यहाँ ये गलत है, ठीक है, बी यहाँ ऑप्शन गलत है, और बाकी एंटुआ और बरबुडा, सेंट जॉन्स, ये अजीब सा नाम है, मुझे इसमें दो पता है, अल साल्वाडोर और बहामास मुझे पता है, इन दोनों में से एक गलत होगा, लेकिन मुझे सेंटो डोमिंगो भी पता है किसकी राजधानी है, डोमिनियन गणराज्य की राजधानी है, डोमिनिका अलग कंट्री है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आरओ का सवाल है, मेंस का, चलो अगला देखते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलाइए, ये मैं आपको दिखाने के लिए लाया कि ऑस्ट्रेलिया के ना इस तरीके से क्या है, ऑस्ट्रेलिया के इस तरीके से इन्होंने स्टेट डिवाइड कर रखे हैं, 6 स्टेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 और 3, 6 ही है, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। देखो न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स कहाँ है, न्यू साउथ वेल्स ये पूछ रहे हैं, न्यू साउथ वेल्स और उनकी राजधानी, तो न्यू साउथ वेल्स वाला एरिया जो है, मैं एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, ये है न्यू साउथ वेल्स, जो हल्का क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, तो मैं कलरों के नाम भी नहीं जानता, हल्का आसमानी, ठीक है, तो आसमानी कलर में जो आप देख रहे हो ना, वो न्यू साउथ वेल्स है, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है सिडनी, तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी होगी सिडनी, मतलब ए का हो गया दूसरा, ए का दूसरा दो में है। फिर क्वासीलैंड जो न्यू साउथ वेल्स के ऊपर वाला एरिया है, वो क्वासीलैंड है, और उसकी राजधानी क्या है, क्वासीलैंड की राजधानी है बिस्ब्रेन, ठीक है, बिस्ब्रेन, तो एक बी का हो गया पहला, दोनों में बी का पहला है, वाह, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया, ये सबसे नीचे जो आप डार्क कलर वाला देख रहे हो ना, डार्क ब्लू, मतलब गहरा नीला कलर जो देख रहे हो, विक्टोरिया वो है, और इसकी राजधानी क्या है, विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एरिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी क्या है, पर्थ, ठीक है। तो 3, 4 मतलब सी का चौथा, सी का चौथा और डी का तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये आप याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 6 पार्ट हैं, 2-3 याद रखिए, वेस्ट में है तो ये तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ही है, ठीक है, ये नॉर्दर्न और सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न के बगल में नॉर्दर्न सदर्न, फिर क्वासीलैंड है, और आपका न्यू साउथ वेल्स है, और विक्टोरिया है, तो आप ये याद रख सकते हैं। और किन की भी राजधानी देख लीजिए, जैसे नॉर्थ की डार्विन है, साउथ की, साउथ ऑस्ट्रेलिया की पता नहीं मुझे क्या है, याद नहीं है, ठीक है, बाकी ये 4 आपने देख लिए, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये संभवतः अंतिम प्रश्न होगा, हाँ
ठीक है, तो आज की एक अच्छा बहुत धमाकेदार है, बहुत मस्त है, मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की है, और मेहनत क्या की है वो शुरुआत से अब तक की मेहनत है वो आप लोगों के साथ साझा की है। बस आपको कक्षा कैसी लग रही है बताते चलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे अपने कमेंट्स दीजिए, अच्छे क्या बुरे भी अगर आपको कुछ लग रहा हो तो वो भी कर दीजिए, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।